सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के एक फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अभी पुराने पोल के लिए में सवाल ये था कि क्या आपको चाहिए आपके मोबाइल फोन में वायरलेस चार्जिंग। तो बोला है आप 55% ने हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए वायरलेस चार्जिंग, हम भैया कर लेंगे सारी पावर को अपने फोन के अंदर, बाकी बोलते हैं यार ना हो तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों वैसे में आज का सवाल ये है कि Xiaomi इंडिया में लैपटॉप लॉन्च करने वाला है, तो क्या आप Xiaomi के लैपटॉप में इंटरेस्टेड होंगे? बताना जरूर दोस्तों क्या है आपके मन की बात ऊपर दिए गए पोल में नीचे कमेंट करते हुए, और जल्दी दोस्तों इस वीडियो में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ into 100 कर दो, बिकॉज कंटेंट भी तो आपके लिए into 100 हो ही चुका है। तो ऐसे दोस्तों दबाओ सीधा लाइक बटन को और हम बात करते हैं पहले वीडियो को लेके निकल के आता है एप्पल की तरफ से, और यहां पर दोस्तों एप्पल ने एक इंडियन डेवलपर भावुक जैन को भैया दे दिए हैं $1,00,000, बिकॉज दोस्तों भावुक ने एक क्रिटिकल बग जो है वो ढूंढ के निकाला था एप्पल के एक सिस्टम में, एप्पल को उसकी इंफॉर्मेशन दी और एप्पल ने दोस्तों दे दिया बाउंटी प्रोग्राम के चलते $1,00,000 का इनाम भावुक जैन को। भावुक इससे पहले भैया ऐसे बहुत अलग अलग कंपनीज के लिए बताते रहे हैं बग्स और इनाम जीतते रहे हैं, तो अगर दिमाग हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Xiaomi की तरफ से Mi Band 5 को लेके। बहुत भैया लंबा इंतजार था कि कब आएगा Mi Band 5। फिटनेस का मतलब शौक है भयंकर वाला, लेकिन फिटनेस जो है वो प्रमोट करने के लिए मिल जाए तो मजा आ जाए। तो डेट सामने आ चुकी है दोस्तों, लॉन्च होने वाला है 11 जून को। देखते हैं इस बार Xiaomi इसमें क्या कुछ पैक करता है। अगली खबर आती है हमारे पास में Samsung के गैलेक्सी A31 को लेके, और यहां पर दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में 4 जून को। Samsung जो है वो एक बाद एक टीज करता जा रहा है इसी फोन से जुड़े कुछ फीचर्स। फिलहाल दोस्तों बात हो रही है ऐसे में 5000 mAh की बैटरी के बारे में, और सिर्फ अब 2-3 दिन की बात है। तो देखते हैं एग्जैक्टली कि ये जो A31 है ये क्या स्पेक्स लेके आता है और एग्जैक्टली इसकी कीमत क्या होती है। अगला अपडेट निकल के आता है दोस्तों यहां पे हमारे पास में MIT की तरफ से, जहां पर दोस्तों ये फिलहाल काम कर रहे हैं कि जो सॉफ्ट रोबोट्स हैं वो दोस्तों जो है वो बेहतर टच और फील कर पाए और जो अपने सराउंडिंग्स हैं उनको दोस्तों बेहतर जज कर पाए। तो ऐसे में यार ये काफी इंटरेस्टिंग सी बात है, लेकिन आगे चल के लगता है कि हमारे चारों तरफ शायद रोबोट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कुछ सॉफ्ट कुछ हार्ड कुछ इंसान जैसे कुछ जानवरों जैसे। देखो खैर अभी फ्यूचर क्या ही होगा। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में OnePlus और McLaren को लेके, जहां पर दोस्तों दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो अभी जा चुकी है। हमने दोस्तों देखे कुछ कुछ फोन्स OnePlus और McLaren की तरफ से कोलैबोरेशन में, अब देखते हैं कि एग्जैक्टली जो OnePlus 8T होगा वो कौन से ब्रांड के साथ में कोलैब करके बनाएगा OnePlus, और आखिर वो फोन कैसा होगा, बिकॉज फिलहाल McLaren का तो टाटा गुड बाय हो चुका है। अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है Vivo के X50 स्मार्टफोन सीरीज को लेकर, और ऐसे में Vivo इंडिया के दोस्तों CEO ने कन्फर्म कर दिया है कि ये जो स्मार्टफोन सीरीज है ये बहुत जल्दी इंडिया में भी आएगी। देखते हैं एग्जैक्टली कि इंडिया में कब लॉन्च करता है Vivo अपने इसी X50 फोन को और आखिर इसकी कीमत क्या होती है। अगली खबर निकल के आती है हमारे पास में TSMC की तरफ से, दोस्तों जो 3 नैनोमीटर पे प्रोडक्शन है उसकी ट्रायल शुरू होने वाली है 2021 में, थोड़ा सा इसमें भी डिले हो गया है, और Samsung जो दोस्तों वो भी बस जल्दी-जल्दी रेस में पीछे पीछे है, दौड़ लगा रहा है पकड़ने के लिए। भैया मोबाइल फोन्स वगैरह की अगर से बात करता हूं तो मतलब ताकत इतनी ज्यादा भयंकर घुस जाएगी ना मोबाइल फोन्स में, मतलब पता नहीं हम क्या ही कर लेंगे सीधा हमारे मोबाइल फोन से। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को लेके, और यहाँ पर दोस्तों COVID-19 के चलते ये करीब 13-15% जो है वो गिरने वाला है। तो यार यहाँ पर दोस्तों मार्केट में जब आपसे बात करूँ स्मार्टफोन्स की या दोस्तों कोई और इंडस्ट्री की, सभी को लगभग काफी नुकसान पहुंचा है। उम्मीद करते हैं सब कुछ वापस से बैक ऑन ट्रैक आ जाए, सिंपल कहें तो गेट वेल सून। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Xiaomi की तरफ से, और इसने भैया लॉन्च कर दिया है Mi Inkjet ऑल इन वन वायरलेस प्रिंटर, जो कीमत दोस्तों है वो है करीब करीब ₹5,000 के आसपास। मतलब ऐसे में सब कुछ ही Xiaomi बना देगा क्या? मतलब प्रिंटर के बाद में शायद Xiaomi का फिर कागज भी आ जाएगा, पेन तो पहले से आता ही है, पेंसिल भी शायद लेके आ जाएगा, फिर शार्पनर रबर, फिर मतलब सोच रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, पता नहीं कह रहा, इसको भी लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है दोस्तों Mi नोटबुक को लेके, मतलब इंडिया में दोस्तों ये लेके आने वाला है फाइनली अपना लैपटॉप। डेट कंफर्म हो चुकी है 11 जून की, और यहाँ पे दोस्तों इनफैक्ट टीजर्स में Core i7 प्रोसेसर जो है वो भी बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। अभी लगता है दोस्तों कि ये काफी एक प्रीमियम लैपटॉप होगा, तो मेरे ख्याल से ये होगा ₹50,000-60,000 के आसपास, कम से कम इसके कम इसकी कीमत नहीं होने वाली है। बाकी अगर देखते हैं टाइम बताएगा कि जब Xiaomi लॉन्च करते हैं इंडिया में इस लैपटॉप को आखिर किस कीमत पे क्या स्पेसिफिकेशन
ऑप्शंस को ऑफर करता है। अगला अपडेट निकल गया था हमारे पास में दोस्तों मेक माई ट्रिप की तरफ से, जहां पे दोस्तों 350 एम्प्लॉइज की नौकरी जा चुकी है। मेक माई ट्रिप जो है, क्योंकि दोस्तों अभी आप जानती हैं कि जो पूरा टूरिज्म वाला सेक्टर है, ट्रैवल सेक्टर है, वो बिल्कुल फंक्शनल ना के बराबर है। तो ना कोई डिमांड है ना कुछ दोस्तों, ऐसे में कोविड-19 क्राइसिस के चलते 350 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है जो काम कर रहे थे मेक माई ट्रिप में। अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है हमारे पास पबजी मोबाइल की तरफ से, जहां पे जंगल एडवेंचर मोड आ गया भैया। मतलब एडवेंचर हम सबको इतना पसंद आता है कि यहां पर दोस्तों लेके आ गए हैं जंगल एडवेंचर मोड, जहां पे हमारे पास में जंगल फूड और मिस्टीरियस टोटेम्स और साथ में हॉट एयर बलून्स वगैरह भी हैं। तो पूरा मतलब मसाला सा होने वाला है पबजी में, जाओ खेलो और मजा उठाओ। यहां पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है पोको की तरफ से, और पोको ने भैया इंडिया में एक बार वापस अपने मोबाइल फोन की कीमत दोस्तों बढ़ा दी है। पहले ही 1000 रुपए बढ़ाई थी, लेकिन दोस्तों 500 रुपए और बढ़ा दी है। तो ओरिजिनल लॉन्च प्राइस अगर आप कंपेयर करते हैं तो 1500 रुपए ज्यादा बढ़ चुकी है कीमत पोको X2 स्मार्टफोन की। अब यार याद कैसे रखेंगे भैया, पहले कितने का था और अब कितने का था और क्या होने वाला है अब। खैर ये गलत बात है भैया, देखो ऐसे करोगे ना तो ये नहीं चलेगा यार। यहाँ पर दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है, मेरे पीछे बाहर घास वाला घास काट रहे हैं मेरी, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो में, जहां पे फिलहाल दोस्तों बात ऐसी है कि ट्राई बोल रहा था कि भैया 11 अक्षरों के मतलब अंकों के आने वाले हैं मोबाइल नंबर्स इंडिया में। भैया फिर होता है इतना कंफ्यूजन कि पहले क्या लगाना है, बाद में क्या लगाना है, फिर भैया हम तो याद करते हैं 10-10 फिर हमारी मेमोरी को, और मतलब पता नहीं बहुत कुछ चीजें बदल जाती। तो ट्राई ने बोला है नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा, जो मोबाइल नंबर्स है वो 10 डिजिट के ही होने वाले हैं। तो टेंशन नहीं, फिकर नॉट, अपन बाल बाल बच गए। तो फिलहाल के लिए ट्राई ने बोला है कि 10 अक्षर वाले नंबर्स हैं वो ही कंटिन्यू करेंगे। तो सिस्टम वैसे का वैसा है, चीजें वैसी की वैसी हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।